स्वागत है आपका ज्ञान सरोवर के नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं परसीवरेंस रोवर की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि परसीवरेंस रोवर है क्या और इसे मार्स पर क्यों भेजा जा रहा है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इससे पहले आज तक कितने रोवर्स मार्स पर जा चुके हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आज कर दीजिएगा। ऐसा करने से आपकी और मेरी दोस्ती और भी गहरी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। परसीवरेंस रोवर, इसे परसी नाम से भी जाना जाता है। यह नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी द्वारा बनाया गया आज तक का सबसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड मार्स रोवर है। इसे मार्स 2020 मिशन के तहत बनाया गया है और 30 जुलाई 2020 को इसे लॉन्च किया गया। लॉन्च होने के बाद लगभग 7 महीने का सफर करके 18 फरवरी 2021 में यह मार्स के जेजेरो क्रेटर पर लैंड करेगा। परसीवरेंस रोवर एक काफी सक्षम रोवर है और इसकी कई खूबियों में से एक खूबी यह भी है कि यह बिना किसी इंसानी मदद के मार्स की सतह पर सेफली लैंड कर सकता है। ऐसा कर पाने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है उसका नाम है टेरेन रिलेटिव नेविगेशन या TRN। इस टेक्नोलॉजी के तहत इसके ऑनबोर्ड कंप्यूटर में मार्स के 2 मैप उपलब्ध हैं। ये काफी डिटेल्ड मैप्स हैं और इसमें खतरे वाली जगहों को लाल पिक्सल से और सेफ जगहों को हरे पिक्सल से दिखाया गया है। जब परसी लैंड कर रहा होगा तब यह अपनी नीचे की सतह की लगातार तस्वीरें लेने लगेगा और फिर उन तस्वीरों को अपने ऑनबोर्ड कंप्यूटर में स्टोर्ड मैप के साथ कंपेयर करेगा। अगर ये जिस जगह उतर रहा है वो रेड पिक्सल में है तो ये खुद ही अपने आप को ग्रीन पिक्सल की तरफ मूव कर लेगा और इस तरह सेफली लैंड कर पाएगा। असल में जिस समय परसीवरेंस रोवर मार्स की सतह पर लैंड कर रहा होगा उस समय मार्स से पृथ्वी की दूरी लगभग 20,92,00,000 किलोमीटर होगी और इस दूरी के कारण पृथ्वी से रोवर तक सिग्नल आने में ही 11 मिनट से ज्यादा का समय लगेगा, जबकि पूरे लैंडिंग में 7 मिनट से कम का समय लगता है। तो इस कारण से ये जरूरी था कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए जिससे रोवर बिना किसी इंसानी मदद के आराम से लैंड कर सके। परसीवरेंस रोवर में 23 कैमरे और 2 माइक्रोफोन लगे हुए हैं जिसकी मदद से ये मार्स की सतह के हाई डेफिनेशन फोटोग्राफ ले सकेगा। इसमें एक 2.1 मीटर का रोबोटिक आर्म भी लगा हुआ है जो कि 5 जगहों से मुड़ सकता है। इसका इस्तेमाल मार्स की सतह के सैंपल इकट्ठा करने के लिए किया जाएगा। अगर डायमेंशन की बात करें तो परसीवरेंस रोवर एक छोटे कार जितना है। इसका वजन 1025 किलो है और लंबाई चौड़ाई में यह 3 मीटर लंबा, 2.7 मीटर चौड़ा और 2.2 मीटर ऊंचा है। इसमें एक पावर जनरेटर यूनिट भी लगा हुआ है जो कि 110 वॉट बिजली बनाता है। इतना बिजली हम अपने घर में एक बल्ब जलाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, तो सोचिए कितनी कम ऊर्जा में यह कितने सारे काम कर सकेगा। फ्यूल के लिए इस रोवर में 4.8 किलोग्राम प्लूटोनियम डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया गया। साथ ही साथ इसके अंदर 2 रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरीज भी लगी हैं जो ज्यादा बिजली की रिक्वायरमेंट होने पर एक्स्ट्रा बिजली प्रोवाइड कर सकेंगे। इसमें जो जनरेटर यूनिट है उसका लाइफ स्पैन है 14 साल, यानी कि ये बहुत लंबे समय तक काम कर सकता है। इस रोवर के साथ जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यह भी है कि परसीवरेंस रोवर के साथ लगभग 1 करोड़ लोगों ने अपने नामों को भी मार्स की सतह पर भेजा है। असल में नासा ने एक कैंपेन चलाया था जिसका नाम था सेंड योर नेम टू मार्स, यानी कि अपने नाम को मार्स पर भेजे। तो इसके तहत लगभग 1 करोड़ लोगों ने नासा के पास अपने नाम भेजे और नासा ने उन्हें 3 सिलिकॉन चिप्स में स्टोर किया और फिर परसीवरेंस के साथ इंस्टॉल करके उन्हें भी मार्स की सतह पर भेजा। तो दोस्तों आप भी नासा, इसरो जैसे स्पेस एजेंसीज की वेबसाइट पर विजिट किया कीजिए ताकि ऐसे ही किसी कॉन्टेस्ट या कैंपेन में आपका भी नाम आप किसी ग्रह या किसी उपग्रह में भेज पाए। परसीवरेंस रोवर का इतना सक्षम होने के पीछे नासा की सालों की मेहनत तो है ही है, साथ ही साथ इससे पहले जितने भी मार्स रोवर गए थे उनके द्वारा कलेक्ट किया हुआ डेटा भी था। तो चलिए जानते हैं कि आज तक मार्स पर कितने रोवर्स जा चुके हैं। मार्स की सतह पर आज तक लगभग 6 रोवर्स भेजे जा चुके हैं जिसमें से 4 रोवर्स सक्सेसफुली लैंड किए और कुछ दिनों से लेकर के कुछ सालों तक उन्होंने मिशन को अंजाम दिया।
सबसे पहला रोवर सन 1971 में भेजा गया था और अभी तक का आखिरी मार्स रोवर जो कि अभी तक ऑपरेशनल है वो है क्यूरियोसिटी रोवर। तो ये जो परसिवरेंस रोवर है उसे क्यूरियोसिटी रोवर की ही डिजाइन को मॉडिफाई करके बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं परसिवरेंस रोवर के मिशन के बारे में। तो इस रोवर को मेनली यह पता लगाने के लिए भेजा गया है कि मार्स में आज से हजारों साल पहले जीवन मौजूद था या नहीं। इसी कारण से इसे जेजेरो क्रेटर पर उतारा जा रहा है, क्योंकि सालों की स्टडीज में यह पाया गया है कि आज से हजारों साल पहले इस 50 किलोमीटर डायमीटर के क्रेटर में पानी भरा हुआ था और यहाँ मार्स के कई हिस्सों से नदियां बहकर आती थी। इसी कारण से इस बात की संभावना है कि यहाँ जीवन हुआ करता रहा होगा और अब यहाँ की मिट्टी को रिसर्च करने पे हो सकता है हमें जीवन से जुड़े कुछ प्रमाण मिल जाए। परसिवरेंस रोवर में एक ड्रिल भी लगा हुआ है जो कि इससे पहले किसी भी रोवर में मौजूद नहीं था। इस ड्रिल का इस्तेमाल करके परसिवरेंस क्रेटर के मिट्टी के सैंपल इकट्ठे करेगा और उन्हें सील करके वहीं पर छोड़ देगा। फिर आने वाले भविष्य के मार्स मिशन में इन सैंपल्स को वापस पृथ्वी में लाया जाएगा। इसके साथ ही जितने समय तक परसिवरेंस रोवर मार्स की सतह पर रहेगा, मार्स की सतह का वो एक डिटेल्ड मैप तैयार करेगा। साथ ही साथ इसमें लगे इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से मार्स के तापमान और मौसम के बारे में भी हमें जानकारियां मिलेंगी। साथ ही साथ दोस्तों, मार्स के एटमॉस्फेयर में लगभग 96% तक कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। तो परसिवरेंस में एक डिवाइस लगा है जिसका नाम है मॉक्सी। वो मार्स के कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाने की कोशिश करेगा। अगर वो इस चीज में सफल होता है तो आने वाले मार्स मिशन में काफी मदद मिल पाएगी। इस रोवर के साथ एक छोटा सा हेलीकॉप्टर भी भेजा गया है और इस हेलीकॉप्टर का नाम है इंजीन्यूटी। इसमें ज्यादा कोई इंस्ट्रूमेंट तो नहीं लगे हैं, लेकिन इसका मूल उद्देश्य है कि मार्स के पतले वातावरण में ये उड़ने की कोशिश करेगा और अगर इसमें ये सफल रहा तो ये पहला ऐसा पंखे से उड़ने वाला मशीन बन जाएगा जिसे पृथ्वी के अलावा किसी भी दूसरे ग्रह या उपग्रह पर उड़ाया गया हो। फिर आने वाले मिशन में ऐसे और भी रोटर क्राफ्ट भेजे जाएंगे जिससे मार्स को एक्सप्लोर करने में हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आपको कुछ इंटरेस्टिंग जानने को मिला हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसे थम्स अप दें। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।